एक ऐसा गेंदबाज जिसने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों पर कहर ढाया था। एक नजर उस किस्से पर जब मास्टर ब्लास्टर को एक गेंद भारी पड़ गई थी। कौन है वो खिलाड़ी जिसने मास्टर ब्लास्टर की 36 घंटों की नींद उड़ा दी थी। पहले ही गेंद में पेविलियन लौटने को मजबूर क्यों हुए थे मास्टर ब्लास्टर। नमस्कार, मैं हूं सपना दानू और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। क्रिकेट जगत में जब भी मास्टर ब्लास्टर की बात होती है तो आंखों के सामने एक बार फिर सचिन की वो सारी पुरानी तस्वीरें ताज़ा हो जाती हैं, जब मैदान में वो अपने बल्ले से ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाते थे जो विपक्षी टीम के होश उड़ा देते। न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में बनाए और तोड़े हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका और न कोई इसके आसपास पहुंच सका। लेकिन रिकॉर्ड्स के अलावा क्रिकेट इतिहास में सचिन से जुड़े कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो आज भी हर किसी को याद है। तो आज हम सचिन से जुड़े उन तमाम किस्सों में से एक किस्सा आपके साथ साझा करने वाले हैं, जब इस महान खिलाड़ी की नींद एक गेंदबाज ने उड़ा कर रख दी थी। ये किस्सा उस वक्त का है जब साल 1998 में शारजाह में कोका कोला चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही थी, जिसमें भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे इस सीरीज का हिस्सा रहे थे। तब जिम्बाब्वे के एक गेंदबाज हेनरी ओलंगा ने इस सीरीज के एक मुकाबले में भारतीय टीम को धूल चटा दी थी। एक के बाद एक सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों को लगातार पेविलियन का रास्ता दिखा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुकाबले में हेनरी ओलंगा ने अपनी गेंदबाजी से तब भारतीय टीम के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। सचिन तेंदुलकर को हेनरी ने दो गेंदों पर दो बार आउट किया। पहले गेंद फेंकी तो नो बॉल थी, लेकिन इस नो बॉल में भी सचिन आउट थे। फिर हेनरी ने दूसरी गेंद डाली जो तेज बाउंसर थी और इस गेंद को सचिन समझ ही पाते उससे पहले वो कैच दे बैठे और आउट हो गए। हालांकि ये मुकाबला जिम्बाब्वे जीत तो गई, लेकिन सीरीज टीम इंडिया के नाम रही। दरअसल सचिन के इस बड़े विकेट को लेने के बाद हेनरी ने मैदान में खूब जश्न मनाया जो सचिन को रास नहीं आया। हालांकि तब सचिन शांत होकर पवेलियन लौट तो गए, लेकिन वो इस हार को स्वीकार नहीं कर पाए। कहा जाता है कि तब सचिन इस हार के बाद 36 घंटों तक ठीक से सो भी नहीं पाए थे, जिसका बदला उन्होंने फाइनल मुकाबले में लिया। फाइनल में सचिन मैदान में उतरे और हेनरी ओलंगा की ही गेंद पर चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। मैदान में हमेशा शांत रहने वाले सचिन के इस आक्रामक रूप को देख हर कोई हैरान था। उन्होंने 92 गेंदों पर 124 रनों की नाबाद पारी खेली और ये मुकाबला बिना कोई विकेट गवाए भारत जीत गया। सचिन की इस पारी के बाद ओलंगा का खौफ सभी भारतीय खिलाड़ियों के मन से हट गया। इस बात का जिक्र ओलंगा ने एक इंटरव्यू में भी किया था। तो ये है ओलंगा और सचिन का वो किस्सा जो क्रिकेट जगत में सबसे मशहूर किस्सों में से एक है। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारे स्पोर्ट्स आर पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें।